चलो यार ध्यान दो ना, 46 में डायरेक्ट बता देना है यार, कर लेना 25, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सेट मार रहे हैं? खान सर का मारे हैं सेट, मारे हैं सेट नंबर 14 है। इसका जिक्के जी इसका सोल्यूशन दे दिए हैं और मैथ रीडिंग का देख रहे हैं और जिक्के जी वाला देख लेना, ठीक है। और लास्ट में शाम में आप लोग को जुड़ना है और ये सेट जो है पर डे 7:30 बजे सुबह मरवाया जाता है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है जिक्के जी एस मस्ती बाजक देव, जिक्के जी एस मस्ती बाजक देव टेलीग्राम पर लिखिए, उसे जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है होमवर्क डाला जाता है और पीडीएफ 7:30 बजे डाल देते हैं और सब लोग मारता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से बोल रहा है, पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य थे? इसका डायरेक्ट डॉट लीजिएगा कितना है, तो 25 से कितना है, 25 है। एक से पच्चीस तक में नौ गो ना, और 150 तक में 15 गो, एक से 100 तक में 25 गो। अब जानट ना, अब जाना नहीं, बस इतने तक याद रखो। 125 9, 150 15, 100 25, 100 246। हाँ अब निकाल लेना, उतना टोटल के पड़ेगा, 50 के 60 के बीच में, 70 के बीच में। चलो अगला ध्यान दो, वो तो अपने थोड़ा थोड़ा निकाल लेगा, थोड़ा पता है तो। अगला क्वेश्चन नंबर है 48 बोल रहा है 0.41। अब बोल रहा है निचुआ में के गो नो आएगा, तो हम जानते हैं कि दशमलव जस्ट इसके बाद है, ठीक है। तो दशमलव जस्ट अगर इसके बाद आता है 43 लिखो, और दशमलव इसके बार के एकदम जस्ट बार रहेगा, जितना अंक पर रहेगा उतना नो दे देना है। तो के गो नो आया, 2 गो, तो एन बराबर कितना होगा, 2 होगा। ऐसे इसका बनाने का बहुत सारा नियम है, तो वो देख लीजिएगा। तो एन बराबर यदि 2 गो नो आया, कितना आया, 2 गो नो। अगला बोल रहा है 49 नंबर, तो ऐसे बन जाएगा 3 अंक तक बोल रहा है, तो 8 लेना है, लेकिन 8 को बढ़ाना है, नो क्यों करना है 8 को बढ़ाकर, क्योंकि यहाँ पर है कितना 8 5 9, तो 5 यहाँ दिखा दो, 1000 के लगभग नज़दीक आ रहा है ना, तो 1000 के लगभग नज़दीक आ रहा है तो बढ़ाएंगे, अगर कम आता तो क्या करते हैं, तो घटाते हैं। तो यहाँ पर 8 5 8 5 तो ठीक है, लेकिन 9 आ गया तो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, बढ़ाएंगे तो 6 होगा, फिर 6 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6 को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7 होगा, 7 को बढ़ाएंगे तो 8 को 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ना होगा देखो 0.859, यही है ना, 85 यहाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन देखो इसको बढ़ाएंगे, ई हटाएंगे तो ई बढ़ेगा हो जाएगा 6, ई हटाएंगे तो ई बढ़ेगा हो जाएगा 9, यानी 9 तक लेना है, कहाँ तक लेना है, तो 0.009। चलिए अगला क्वेश्चन, 50 नहीं बना है, 50 तो सिंपल बन जाएगा। 50 बोल रहा है क्या, ए बटा रूट अंडर 512 बराबर रूट अंडर 162 बटा ए, इसको इधर कर दो तो ए स्क्वायर बराबर, देखो इसको 162 को लिखेंगे 81 गुना 2, आई इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2 पावर 9, यानी 2 पावर 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 पावर 9 होगा, 2 पावर 8 गुना 9, इसका वर्गमूल कितना होगा 9, और ये दोनों को 2 मिलके एगो 2, और 2 पावर 8 यानी 2 पावर 4, बस इसको गुना कर दो, 9 गुना 9 दुनिया 18 और 2 पावर 4 यानी 16 गुना करो आंसर। हाँ यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर कर देना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 18 गुना 16 करेंगे ना, 18 के बरमूल से निकलेगा 9 दुनिया 18, इसका जगह 4 ना, 144√2 हो जाएगा ना, 144√2 हो जाएगा। हम तो मिस्टेक कर दिए, तो भारी मिस्टेक कर दिए हम, यहाँ पे इसका ध्यान ही नहीं दिए हैं, ठीक है ना। सर नंबरवा कम कैसे आ गया, यहाँ ध्यान दो, और 51 भी उसी तरह है ना, चौपट कर दिए चौपट। तो तुम ठीक किया पूछ दिया, यहाँ स्क्वायर है तो 18 16 हो जाएगा रूट के अंदर, फिर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 9 दुनी 18 और 16, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 16 बरमूड 4 और 9 के बरमूड 3 और ये 2 हो जाएगा अंदरे, यानी हो जाएगा मेरा कितना 12√2। आंसर भी नहीं दिले, कितना आंसर बदले है, आंसर कितना दिले, 50 का आंसर कितना दिले, 50 का 3 है, 188 गलत दिले, 51 के 51 के आएगा 144 कितना आएगा, उसी तरह निकालेंगे 144 आएगा तो जाएगा 12, इसमें भी गलती मार दी है, दिया रम गजब फंसा दिए। 57 कितना नंबर, चलो कौन तो बोलेंगे शुरू में जो बोले थे। चलो अगला क्वेश्चन बताना कितना है, 54 नंबर देखो,
54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सीमा की वार्षिक आय इतना है, प्रत्येक महीना वो 30,000 की ईएमआई देती है, तो उसके मासिक वेतन में कितना प्रतिशत ईएमआई में जाती है? तो मासिक वेतन पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? मासिक वेतन पूछ रहा है। मेरा आंसर बाकी की दे देना है, थोड़ा देखना है। तो ठीक है, इसका मासिक वेतन पूछा था, सालाना कितना है? सालाना है 15 लाख। इतना है ना सालाना, इतना हो गया, कितना हो गया? इतना हो गया 15 लाख है। अब पूछ रहा है मासिक में उसका ईएमआई कितना देता है, तो ईएमआई देता है 30,000। कितना देता है? 30,000 देता है। तो पूछ रहा है उसका क्या, पूछ रहा है उसका तो उसके मासिक वेतन में कितना प्रतिशत ईएमआई, मासिक निकालना, यानी उसको सालाना को 12 से भागा देना तो मासिक निकलेगा, निकलेगा मासिक, तो कितना निकल जाएगा मासिक 12 से भागा देंगे इसमें, तो 1,25,000 इतना निकलेगा ना। और इतना कितना परसेंट है, तो 30,000 यहाँ रख दो और गुना 100 कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, 3×0=3 मर्डर हो गया। और ये 5 बार में 25 4 बार में और 4 और 5×6=30 हो गया, 6×6=24 हो गया, समझा? तो यहाँ मासिक निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन और है, 55 नंबर बन गया ना, 55 नंबर तो सीधे हो जाएगा 5% और फिर 2% और बढ़ाएगा तो हो जाएगा 7%, 2% और बढ़ा रहा है 7%, 7×12% निकाल देना है। चलो कितना है, 2% नहीं बढ़ा रहा है, पहले 5% था, फिर 2% बढ़ा किया तो 7% हो गया, कुल हो गया 12%, तो 3,12,000 निकाल दो। चलो 57 नंबर बोल रहा है, एक आदमी ने अपने 3 संतरे, देखो जब भी संतरा वाला सामान रहेगा, वस्तु जब खरीदेगा तो उसमें वस्तु हमेशा बराबर करना बन जाएगा, तो बोल रहा है क्या, 3 संतरा खरीदा और 1 रुपये के बराबर, बोल रहा है 1 रुपये में 3 संतरा, तो 3 संतरा कितना रुपया में, 1 रुपया में, फिर 2 संतरा कितना रुपया में, 1 रुपया में, पहले बराबर कर लो, तो संतरा यानी वस्तु को बराबर करना है कि बेचने में सुविधा हो, तो इसके 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 से गुना करेंगे 2 रुपया और यहाँ हो जाएगा 3 रुपया। तो आप देखो 6 संतरा 6 संतरा यानी 12 संतरा कितना रुपया हो गया, यानी हम 12 संतरा खरीदे हैं कितना रुपया, 5 रुपया के, यही खरीदे हैं। अब वहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 दर्जन संतरा को कितना रुपया में बेचा जाए, कितना रुपया में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो 1 दर्जन तो यह भी करता है, इसमें 20% लाभ कमाना है, तो 20% बढ़ा दो 120/100 कर दो, काट दो इसको, तो कितना बार में कटेगा, 20 छः आ गया आंसर, यानी 12 रुपये में 6 संतरा भेज दो, फायदा फायदा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन कितना, अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, 58 1 अटी बताएं, तो 58 1 अटी देखो, 58 नंबर बोल रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, मान लो कि 100 रुपये की वस्तु था और 50% अधिक 50 रुपया अधिक अंकित किया था, 150 हो गया ना। अब बोल रहा है कि 20% की छूट देते, छूट किस पर देगा, इसी पर नहीं देगा, जितना MRP दिए उसी पर छूट देता है, इस पर छूट दे दो, यानी 80/20% छूट दे रहे हैं, यानी 80/100 में बेच रहे हैं, लड़ुआ से लड़ुआ और 15/20 से, यानी कितना फ़ायदा हुआ, 20 रुपये तब भी फायदा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अरे हमको समझ नहीं आ रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन में मेरा छूट कैसे गया, 56 नंबर हम बनेबे नहीं किए, 55 के बाद 57 पहुँच गए, कंप्यूटर वाला नहीं पूछा है। 59 धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 में किया गया था, बोल रहा है क्या, 1 धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच, इथेन ये केमिस्ट्री लेना है, प्रोपेन एथेन मेथेन एथेन प्रोपेन केमिस्ट्री लेना है, ठीक है ना, ये नाम है क्या है, को होता है इस तरह, जो जिसको केमिस्ट्री ज़्यादा प्यार होता है कार्बनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो अपना अपना जो है संतान का नाम ले लेता है, इथेन मेथेन प्रोपेन कुछ भी रह सकता है, बेंजीन भी रह सकता है, यूरिया भी रह सकता है, ठीक है ना। तो यह बोल रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ बोल रहा है इथेन, क्या बोल रहा है, इथेन बोल रहा है, और बोल रहा है जेन, क्या बोल रहा है, जेन बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, कहाँ भाग गया, अरे 4:7 में है, यदि जेन इथेन को 1 देती है तो अनुपात बदल कर 7/12 हो जाती है, तो दिमाग इतना लगाओ तुम लोग, देखो ऑप्शन में बना लो तो और इजी पड़ेगा, हम 209 रुपया लेते हैं और इसको बांटना 4:7 में बांटना है, देखो पहले इसमें 4/7 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 से भाग लग रहा है, भाग लग रहा है तो यानी यही वाला सेट खाएगा, 11 से भागा नहीं कितना आएगा, 19 चौका कितना हो गया, 76 और 19 सती कितना हो गया, 133। अब वो 1 रुपया ही दे देगा ना, तो देखते हैं इस हो जाएगा 77 हो जाएगा, आई हो जाएगा 132, काट के देख लो उतना आ रहा है, कितना बोल रहा है, बोल रहा है 7/12 आ रहा है, तो आ रहा है 77 और 11×12 करेंगे 132 आ गया है, तो ऑप्शन और इजी था, कभी कभी ऑप्शन का भी लेना है, ठीक है ना। चलो 60 नंबर
60 नंबर बोल रहा है कि समानुपाती हो जाए, यानी 4/8 बराबर हो जाए 12/22। समानुपाती मतलब यही हुआ, कितना जोर दिया जाता है, मान लो कि इसमें एक्स 12/22, 12/22 मान लो इसमें एक्स जोड़ने पर बराबर हो जाएगा, एक्स जोड़ने पर बराबर हो जाएगा, यही नहीं करेंगे। तो बोल रहा है क्या 12/22 समानुपाती बनने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले काट देखिए, तो 4/8 और सुविधा हो जाएगा, और 12/22 दो से एक से 4 और इस वाला 2/11 हाँ, यहाँ 1/2 और यहाँ पर 6/11 तो कितना हो गया, हो गया 1/2 बराबर 6/11। ऐसे बोल रहा है क्या जोड़ रहे हैं कि समानुपाती हो जाए, यह नहीं बोल रहा है प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती। ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं या इसको ऐसे करना करेगा, एक्स जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं एक्स जोड़ देते हैं, सोल्व करना करेगा, इससे ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, तो करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, तो यहाँ पर होगा 11 जोड़ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा कितना, ये मेरा हो जाएगा 2 जोड़ एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, गुना कर दो 11 गुना एक्स, 11 एक्स, एक्स गुना 1 एक्स, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, और यहाँ पर 2 × 6 = 12, यहाँ पर 6x हो गया, x गुना 6x हो गया, x गुना x, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर मर्डर हो गया ना, और यहाँ पर 11x एरे गो x, 12x हो गया और 11 हो गया, यहाँ पर 6x दोनों है ना, तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर गुना किए हैं, यहाँ पर पहले 2 से गुना किए हैं, तो 6 × 12 ठीक है, और 2x यहाँ पर है, कितना है 2x, और चलो ठीक है, तो 6 × 2 कितना हुआ 8x, कितना हुआ 8x हो गया, अब 12 × 12 इसको इधर ला दो तो हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 12 में x जाएगा 4x, इधर जाएगा तो 1, यानी x बराबर 1/4, तो 1/4 जोड़ना गोली मार, इसी तरह बनेगा ठीक है ना। अगर कहीं सोल्यूशन में, अगर कहीं पर सोल्यूशन में गलती हुआ होगा तो मेरा गलती है, नहीं तो आंसर यही हो जाएगा। चलो सोल्यूशन लेके इसी तरह करना। अगला क्वेश्चन कितना 61 देखो क्या बोल रहा है, 61 बोल रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। मेरी मतलब हम ना है ठीक है ना, मेरी मतलब कोई लेडीज होगी, तो मेरी आयु उसके बेटे के आयु के 5 गुना अधिक है, यानी ये इसका बेटवा 1 है तो कितना है 5 है। अब बोल रहा है क्या 6 वर्ष में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद जो है 3 गुना हो जाएंगे। तो देखो जब इस तरह सवाल रहेगा तो क्या करना है, यहाँ अंतर समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ अंतर 5, जैसे देखो 6वें वर्ष में जुड़ा है तो 5 और 3 कितना 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, जब 6 वर्ष ये बढ़ेगा तो 6 वर्ष ये बढ़ेगा ना, लेकिन ना है तो समान करना होगा, या समान रहेगा समान करना होगा। समान कैसे करते हैं, तो इसका अंतर इसमें गुना कर दो और इसका अंतर इसमें गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 अनुपात 2, यहाँ गुना करो 12, यहाँ गुना करो 4, अब देखो अंतर समान है 10 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है ना, तो 2 बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 2 = 6 तो 1 = 3, तो 10 = 30 और 2 = 6 तो 2 वर्ष बाद 32, 8। चलो अगला क्वेश्चन क्या हुआ, अगला है 62 अंजलि है ठीक है ना, पतंजलि, चलो देखो अंजलि दूसरा चलिए रेड में पहुंच गए, तरंगधर ज़्यादा है एकदम विचलन कम है। चलिए कितना नंबर है, कितना नंबर है 62 है ना। बोरा अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार लिया है, अंजलि उधार लिए कितना लिया है 12,500, मेरा सब लगभग बन ही गया, तो 5 नंबर पर कम हो गया, वह जो हुआ 2 गो छूट गया, अरे ये भी 2 गो यहाँ पर ये तो ए वाला पूछनी, ए वाला एकदम गजब फंस गई है ना, गलत दिए हैं, तो आप लोग को भी नहीं फंसना है जो इसमें हम फंस गए हैं 50 और 51 में, स्क्वायर होगा स्क्वायर में मार दिए सर भाई, गलती आप लोग को नहीं करना है ठीक है ना, नहीं तो चल जाइएगा बोरा में जैसे हम बोरा में चल गए हैं ठीक है ना। कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 62 कितना है
बासठ बोरा अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया है। कितना वर्ष के लिए उधार लिया है? अब बोल रहा है क्या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा लिया, साधारण ब्याज पर। होशियार थी अंजलि, न समझना बुर्बक रहती लड़की, होशियार रहती है। लिया साधारण ब्याज पर लगा लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, और समान रेट समान टाइम के लिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कितना फायदा होगा, तो देखते हैं। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज पर तो सिंपल हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है 2:1, क्या होता है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2:1 होता है, और 3 वर्ष के लिए होता है 3:1 होता है। तो देखो ये क्या है, यह है साधारण ब्याज, ये क्या है साधारण ब्याज, जो फायदा हो रहा है ये वाला फायदा हो रहा है। अगर 2 वर्ष में रहेगा तो एक फायदा होगा, और 3 वर्ष में रहेगा तो 4 फायदा होगा। चलो निकालते हैं इसका कितना परसेंट, 6% है ना, 6% है ना, तो 6% निकालो, 1% 225, तो 6% कितना, 6 से गुना करो इसमें कितना होगा, तो 2 2 5 में 6 से गुना करेंगे, 6 5 33 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 1350, कितना हो जाएगा 1350। और फिर इसका निकालेंगे 6%, क्योंकि 2 वर्ष है ना, तो 2 बार निकालेंगे तो फिर इसका 6% निकालो। इसका जब 6% फिर निकालेंगे, 6% निकालें फिर 6% निकालें, कितना आएगा, तो 1% आएगा 13.5, इसका निकाल दो 6%, 6 5 30, 6 3 18, 1 21, 6 1 6 यानी 81, कितना आ गया, यानी 81 आ गया, कितना आ गया 81 रुपये फायदा हो गया। इतना रुपया वो देना पड़ेगा साधारण ब्याज पर, उसको इतना देना पड़ेगा, ये फायदा कमा लिया 81 रुपये, समझ आया ना, समझा। और उसको मतलब सालाना ब्याज कितना होगा पता है, इसमें 2 से गुना करना है, इसमें 1 से गुना करना है, सालाना ब्याज ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा क्या 1 है ना, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, तो ये मेरा हो जाएगा उसका फायदा हो जाएगा, ये ज़्यादा कमा लिया। हाँ अगर 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 थोड़ा ध्यान देना, अगर 3 वर्ष के रहता ना, 3 वर्ष का रहता तो फिर इसका निकालते हैं, फिर इसका हम 6% निकालते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, 3 वर्ष का रहता तो 6% इसका फिर निकालते हैं। अब पहला वाला 3 से गुना करते हो जाता क्या, तो ये मेरा हो जाता साधारण ब्याज हो जाता, और इसमें 3 से गुना करते हैं, और तीसरा वाला में 1 से गुना करते हैं, तो ये दोनों होता, ये दोनों होता मेरा ब्याज। तू हल्ले बहुत करता, जो बोलते अलग से नहीं सुनता। कितना नंबर है 63, बोल रहा है दोस्तों 250 सैनिक के लिए 35 दिन के भोजन माह है, 50 वो सैनिक चल गया तो उसके लिए कितना दिन का भोजन होगा, 200 इधर ला दो, 200 इधर लाएंगे तो 200 इधर लाएंगे तो इधर बचेगा x बचेगा 0 0 0 0, 50 75 75 2 यानी 37.5 दिन। तो बोल रहा है पहले 30 दिन का था, अब कितना दिन का ज़्यादा चलेगा, तो 7.5 दिन ज़्यादा चलेगा, इसमें गलती नहीं करना, इसमें हम भी गलती कर देते हैं, लेकिन खो रहे थे हमें सर्वा 37.5 कहीं था ही नहीं, तो गलती कर देते हम भी, ठीक है ना, 37.5 खो रहा है, कहीं मिलियन रहा है, फिर कहें लगता है कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर पता चला रहे वृद्धि पूछ रहा, अगर आता तो हम भी बोला चल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना है 65, बोला पर्लव, ये तो क्वेश्चन में गलत दिल है बोला पर्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते, देखो साइकिल चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल देखो इसका पैदल चाल, देखो इसका पैदल चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी साइकिलिया को हमको लगता है मथुआ पर ले लिया, साइकिल से ले दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल साइकिलिया छोड़ दिया, फिर पैदल जाने लगा अपने अकेले, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ठीक है ना। चलो 66 देखो, ठहरे हुए पानी कैसा पानी है, 35 3.5 है, तो 3.5 रहेगा तो बन जाएगा, बना देना है तो ऐसे बन जाएगा, 3.5 रहेगा तो दिमाग लगा लेना है, साइकिल से कितना है, साइकिल से 12 किलोमीटर पैदल हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, आपको ऑप्शन वाले बना ले, इसमें ऑप्शन हिट कराना, अगर मान लो 2 लेते हैं, क्या लेते हैं तो 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, बोल रहा है कि उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो मान लो 2 घंटा साइकिल चलाएगा कितना होगा 24 हो जाएगा, तो कुल 8 घंटा लगा है, तो इसमें कितना, तो 6 घंटा बच गया, 6 से गुना करो तो जितना आएगा दोनों को जोड़ने पर क्या मेरा 45 किलोमीटर आ रहा है, 45 किलोमीटर आ जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा, और यही होना भी चाहिए, लेकिन यही हम एक बार में ये चेक करते हैं, क्योंकि 2 जो है कट रहा है सगरो, लेकिन पगल बार 3.5 पता रहता तब ना। चलिए जैसे अभी हम डायरेक्ट 2 चेक किए तो 2 ही हो रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन 66 नंबर बोल रहा है, 66 नंबर क्या बोल रहा है क्या, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठहरा हुआ पानी है उसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहने में, 364 किलोमीटर क्या बह रहा है, नीचे की ओर बह रहा है और फिर आ रहा है, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 364 किलोमीटर धारा के चाल में गया और धारा के विपरीत में फिर उतना दूर आया, तो कुल 40 घंटा लगा, कितना लगा, कुल 40 घंटा लगा, हम ये ऑप्शन से बनाए हैं बता देते हैं, चलो ऑप्शन हम इसे पकड़ लिए, क्या ऑप्शन हम पकड़ लिए थे इसमें 6, ठीक है ना, ऐसे सब चेक किए थे तो थोड़ा 6 में जाके आंसर मेरा आया, तो 6 पकड़ लेते हैं, तो अगर यहाँ ध्यान धारा दिशा में क्या होगा, धारा दिशा में क्या होगा, 6 जुट जाएगा इसमें 26 हो जाएगा, और धारा के विपरीत क्या होगा 14 हो जाएगा, यही ना होगा, देखो धारा की दिशा में भी इतने चला, यानी 364/26
ये क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। और धारा के विपरीत दिशा में कितना चला, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है 14, यानी कुल दूरी बटा कुल समय यानी 367/14। अगर ये दोनों जोड़ दे 40 घंटा आ जाएगा तो सही है, तो देखना काट के 40 आ जाएगा, कुल टाइम 40 घंटा लगा है, 40 आ जाएगा। क्या बोला ये काम मुझे फिर से बताइए, तो दे ले कितने में, ये दे ले है शांत जल में नाप के चाल। हम मान लिए हैं क्या यहाँ पूछ रहा है, क्या यहाँ पूछ रहा है धारा की गति, धारा गति मान लिए ऑप्शन नंबर डी चेक करने पर आया है 6 मान लिए, कितना मान लिए, तो धारा की दिशा में कितना होगा तो 6 जुट जाएगा, धारा विपरीत में कितना होगा 14 होगा, होगा ना। दूरी कितना चलाते हैं 67, तो धारा दिशा में भी 367 चला तो दूरी बटा समय, धारा दिशा में कितना टाइम लगा वो निकल गया। फिर धारा विपरीत में भी इतने चला तो दूरी बटा समय, तो विपरीत में कितना टाइम लगा ये निकल गया, सो काटेगा और जोड़ेगा तो मेरा डायरेक्ट 40 आ रहा था, ऑप्शन हो गया 40। चलिए अगला क्वेश्चन, 67 नंबर तो ऐसे बन गया है, देखो दिमाग लगाओ, 67 नंबर भी ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर हिट करना सीखना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 67 नंबर, बोल रहा है क्या, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, यही है ना। अगर दिमाग लगाओ कि यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना है कि इसका मान अगर हम 15 मान लेते हैं, ऐसे 15 मान के चलना जैसे कि कट जाए, ठीक है ना, तो 15 मान देते हैं बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा, उसी प्रकार b बराबर कितना निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 15 मानते हैं तो 5 निकलेगा, और c बराबर कितना निकलेगा 8 निकलेगा, कितना निकलेगा ना 7 निकलेगा, कितना निकलेगा 7। अब देखो जो तीनों जोने पर 15 पूर रहा है, जो माने थे 15 पूर रहा है, सही हो गया। अब बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 3 × 9 = 25 + 27 = 49, इसको जोड़ देना है, जोड़न पूछ रहा है, जोड़ देना है, देखो जोने पर 15 पूर रहा है ना, तो 15 ही होगा, यानी मेरा सेट सेटिस्फाई कर गया है। तो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 9, बी स्क्वायर यानी 25, सी स्क्वायर यानी 49, जोड़ दो आंसर। चलो कितना 68 नंबर बोल रहा है क्या, इसमें तो डायरेक्ट कर देना है, बोल रहा है बाहरी परिधि, बाहरी परिधि यानी 2πr और भीतरी परिधि यानी 2πr, तो इसको घटाना है तो हो जाएगा 2π बड़की r माइनस छोटकी r बराबर 22, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2π को उधर भेज दो, तो बड़की r माइनस छोटकी r हो गया रास्ता, ये हो गया रास्ता के चौड़ाई, रास्ता के चौड़ाई वहाँ 22 दे लेना है, तो 22 और 2 इधर आएगा तो भागा में, और पाए को पलट देंगे तो जाएगा 7/22 यानी 3.5 हो जाएगा, सराई हो जाएगा। चलो 69 नंबर देखो, 69 नंबर क्या हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ऊपर वीडियो बाजो है ना उसका थोड़ा देख लेते हैं अपलोड हुआ कि नहीं। चलिए देखिए, देखिए कितना नंबर था, कितना नंबर था तो 69 नंबर था, थोड़ा देख लेते हुए वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, ठीक है। 69 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक तंबू इस प्रकार है कि इसका निचला भाग 24 मीटर है, देखो वो तंबू है, ठीक है ना, अब बोल रहा है इसका निचला भाग कितना है, तो निचला भाग यानी देखो निचला भाग 24 मीटर है, जो एक सिलेंडर का आकार का, सिलेंडर यानी बेलन आकार का जैसा है, और इसका 24 मीटर है, कितना है ये वाला जो है 24 मीटर ऊँचाई है। अब बोल रहा है क्या, जिसका व्यास 126 मीटर है, व्यास का कितना है 126 मीटर, कितना है 126 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा ना, तो ये भी 63 हो गया होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी व्यास के आधार के साथ शंकु की तरह है, यानी यही व्यास के जो आधार इसी पर शंकु बना दिया, क्या बना दिया है शंकु बना दिया है, शंकु बना दिया गया है। अब बोल रहा है क्या, इसकी तिरछी ऊंचाई 80 मीटर है, कितना है तिरछी नज़र इसका 80 मीटर है, तो बोल रहा है क्या उसका कैनवास 8 मीटर चौड़ा है, यानी जितना भी इसमें कैनवास लगा उसका कितना है चौड़ैया है 8, चौड़ैया है 8 है, क्या है, तो बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है अब यहाँ ध्यान दो, तो बोल रहा है क्या इसका लंबाई बताओ, अब यहाँ ध्यान देना है इसमें कैनवास जो लगेगा क्या लगेगा छतपल लगेगा, और छतपल क्या होगा कैनवास का, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, यही ना होगा, अगर हमको छतपल पता है और उसमें चौड़ाई से भागा दे देंगे तो लंबाई निकलेगा, यानी निकालना पड़ेगा कैनवास का छतपल, क्या निकालना पड़ेगा कैनवास के छतपल निकालना पड़ेगा, कैनवास के छतपल क्या होगा, तो कैनवास तो यहाँ निचवा में लगल होगा, खाली यहाँ और यहाँ लगल होगा चारों तरफ देवला में, फिर यहाँ नहीं लगल होगा, खाली यहाँ यहाँ लगल होगा, यानी देवाल का छतपल को बोलते हैं वक्रपीठ छतपल, क्या बोलते हैं, यानी बेलन के वक्रपीठ छतपल और शंकु का वक्रपीठ छतपल जोड़ना पड़ेगा, यानी 2πrh जोड़ πrl करना पड़ेगा, कॉमन ले लो पाई आर को कॉमन ले लो, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h बचेगा और यहाँ l बचेगा, पाई के मान 27 हो जाएगा, r के मान 63 हो जाएगा, 2 के मान इतना हो गया, h के मान 24 हो गया, l के मान 80 हो गया, बस सॉल्व कर दो, 7 नंबर 63 हो गया, 22 गुना 9 हो गया और 24 दूनी 48 हो गया और जोड़ 80 हो गया, और इसमें फिर 22 गुना 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 यानी 198 हो गया, इसको जोड़
करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 × 4 = 128 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर गुना हो जाएगा, और इसमें क्या करना, 8 से भागा देना, चौड़ाई 8 है ना, 8 से भागा देंगे तो लंबाई निकल जाएगा, तो 8 से भागा दे दो, इसमें भागा देंगे कितना हो जाएगा, 8 से काट दो, 8 × 1 = 8 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा, 198 गुना 16 कर देना है, तो 8 × 48 यानी अंतिम में 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, पूरा सॉल्व कर दिए, अब उन्होंने करेगा तो पूरे कर दिए, गुना भाग करना था, कहे लोग रहा अमन की कहाँ हो रहे अमन के 42 नंबर है ना, 1 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, कितना 70, देखो 70 क्या बोल रहा है, 70 बोल रहा है क्या बोल रहा है, 2 संख्यों के बाद अति में लिख देना है, टेलीग्राम पर लिख दो कि मतलब मैथोड इनिंग का सोल्यूशन हो रहा है, 2 संख्यों के वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, देखो दो को क्या है शंकु है, और शंकु का दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ पूरी क्षेत्रफल, तो वह पूरी होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल लगा दिए, और इसका बोल रहा है कि इसका एल, इसमें देखो इसमें बोल रहा है त्रिज्या ऊंचाई 1:2 में है, इसको 1 बोले इसको 2 बोले, ठीक है, पाई पाई खत्म हो जाएगा, और इसका मान बताना है 1 और 2 यानी त्रिज्या का अनुपात बताना है, ये नहीं पता है तो R1 / R2 हमको नहीं पता है, और L1 पता है, L1 कितना है, तो बोल रहा है 1:2 यानी पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया 2, और बराबर कितना दिया हुआ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 2:1, कितना दिया हुआ 2:1 1 दिया, इसको इधर भेजो 2×2 = 4, इसको इधर भेजो 1, यानी R1 / R2 बराबर हो गया 4:1 आंसर। चलो अलग होता है 71 नंबर क्या बोल रहा है, 71 नंबर मस्त क्वेश्चन है, लेकिन 71 नंबर क्या बोल रहा है, 71 नंबर बोल रहा है कि पेट्रोनाइज में प्रत्येक स्वर के ठीक पहले वाला अक्षर को अगले वर्ण से बदल दिया जाए, बोल रहा है पेट्रोनाइज है क्या, पेट्रोनाइज है, ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है कि जितना भी स्वर है ना उसके पहला अक्षर जो है उसको एक बदल दो, आगे बढ़ा दो, तो पी को कर देना है क्या, क्यू, क्या करना है, क्यू कर देना है, समझ आया ना, उसी प्रकार यहाँ पर एक स्वर है इसके अगले वाला अक्षर को एक बढ़ा देना है, तो यहाँ हो जाएगा आर के बाद हो जाएगा एस, क्या जाएगा, फिर यहाँ पर है एन को कर दो क्या, तो एन को बदल दो ओ में, किसे बदल दो ओ में, हो जाएगा एक बढ़ा देना है, फिर यहाँ ई, तो ई के पहले एस, एस को बदल दो टी में, देखो ओ 2 बार आ गया और टी जो है 2 बार आ गया, ओ और टी 2 बार। चलो वाला क्वेश्चन और कौन है, बच्चे की कतार में, हाँ वही बता रहा है, बच्चे की कतार में 73 नंबर, बच्चे की कतार में अरुण बाएं से 5वां है, देखो अरुण जो है ना बाया साइड से 5वां है, हाँ बाया साइड से 5वां है अरुण, एफर अरुण, ठीक है ना, और नवीन दाया से 12वां है, नवीन किधर है, तो दाया से 12वां है, कौन है नवीन, क्या है नवीन है, अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि यदि नवीन अरुण के तरफ 3 स्थान सरकता है, यदि नवीन जो है अरुण के तरफ 3 स्थान सरकता है, कितना स्थान सरकता है, 3 स्थान सरकता है, तो 12 से 15 हो जाएगा, होगा ना, तो बोल रहा है 3 स्थान सरकता है तो वह बाएं से 10वां होता है, बाएं से कौन सा होता है 10वां हो जाता है, जब 3 स्थान इधर आएगा तो कितना पर पहुँचेगा 15 पर पहुँचेगा, और इधर से बोल रहा है बाएं से 10वां, इधर से 15वां, इधर से 10वां, तो 10 और 15 कितना 25 हो गया, लेकिन ये जो नवीन है 2 बार गिना गया तो 1 बार माइनस करना पड़ेगा, यानी 24 हुआ होगा, कितना होगा, तो कुल होगा 24, ऐसे तुम्हें को पता है कि लेफ्ट से प्लस राइट से माइनस 1 होता है कुल बराबर होता है ना, कितना दे रहा है, गलत दे रहे हैं, वैसे नंबर पर कम आया, हम अपना भी मिस्टेक किए हैं मैथ उतने, मतलब माना चाहिए क्या मार दिए हैं क्या, तिहत्तर का डी है, तो तिहत्तर का डी होते डी डी है तो होते बोला पहले ठीक है, तो हमें नहीं चली गए तो रहे वाला, चलो कहाँ है अमन, यानी तुम इस यहाँ पर अमन गुप्ता 44 नंबर, अमन इसमें कितना हलो, मनीष समूह में निर्मल का स्थान 22 से 15वां है, देखो कुल विद्यार्थी के समूह में निर्मलमा जो है निर्मल उसका स्थान जो है 22 से कितना है, तो 22 है 15वां, कितना है 15वां है, और परवीन का स्थान दाई ओर से 20वां है, परवीन का स्थान दाई ओर से 20वां है, किसका है परवीन का। अब अगला क्या बोल रहा है क्या, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेता है, दोनों आपस में अपना स्थान, यानी ये आएगा यहाँ तो ये जाएगा यहाँ, ठीक है ना,
और राजा दोनों आपस में स्थान बदल लेता है तो निर्मल का स्थान बाईं ओर से बाईसवां हो जाता है। देखो निर्मल का स्थान जो है बाईं ओर से बाईसवां हो जाएगा, निर्मल जो है ठीक है ना, इसका स्थान पहले कहा था 15 था बाईं ओर से, बाईं ओर से 15 था, अब हो जाएगा 22वां, यानी 15 से यहाँ कितना तक बढ़ा है, 7 बढ़ा है, 7 बढ़ा है ना, तो जब ये इधर आएगा तो 7 कम होगा, ये परवीन, परवीन 7 कम ना होगा, तो यही बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है कि परवीन का स्थान दाई ओर से क्या होगी, परवीन का स्थान दाई ओर से, देखो यहाँ पर तो परवीन अब आएगा यहाँ कहाँ आएगा, तो यहाँ पर है 20, तो जब 7 ये बढ़ा तो 7 यो बढ़ेगा, तो 20 से 7 कितना आएगा, 27 कितना जाएगा, तो दाई ओर से परवीन का स्थान पूछ रहा है, तो दाई ओर से परवीन का स्थान हो गया 27, कितना हो गया 27 हो गया, 28 इसका हो गया 20 और मतलब यहाँ ध्यान दो थोड़ा ध्यान, 28 सही है, 7 स्थान इधर गया ना, 7 इसके बीच में अंतर हो गया है ठीक है ना, तो 7 इसके भी 15 और 7 कितना है, तो ठीक है, तुम्हें कैसे जाते छा गया था, तो नंबर वहाँ पता नहीं चला हुआ ज़्यादा गिर पर है, 27 ठीक है और तुम्हें कोई फंसा रहा है, 27 ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन कितना है, अब कोनो क्वेश्चन और है, अब ना है, चलो तो गोली मारो, भंडारा समाप्त हुआ और शाम में जरूर आ जाएगा भंडारा में, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाला हुआ, जीके जीएस मस्ती बाजादे पर, और जय हिंद।